गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.3 बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. नाउ टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4 बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन. सो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मीन्स टू राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. स्टूडेंट्स, आपने अभी तक जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे हैं उसमें बीच में प्लस या माइनस का सिंबल आ रहा था, ठीक है. फॉर एग्जांपल 2x² + 4x + 9, इसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे थे, ठीक है. तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसे हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो हमने लास्ट एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें मैं आपको बोल रही थी कि हमें इसे फैक्टराइज करना है और फिर वैल्यू पुट करनी है, तो हमने उसमें क्या किया था, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया था, उसे हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है. तो यही होता है फैक्टराइजेशन, जिसमें हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहे हैं उसे हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन करने के तीन मेथड्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, ठीक है, वो हम आज सीखेंगे कि कैसे इस मेथड से हम फैक्टराइज कर सकते हैं. द सेकंड मेथड इज बाय यूजिंग आइडेंटिटी, जो हमने कल क्लास में देखा था, लास्ट क्वेश्चन जो था, ठीक है, उसमें हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को फैक्टराइज करके एक क्वेश्चन बनाया था, वो होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी. आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में है, तो हम वो आगे करेंगे. एंड द लास्ट मेथड इज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वो भी हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे, राइट. तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमें इसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं. तो एक मैं करके बताती हूँ आपको, बहुत इजी है ये. 8x^5y². स्टूडेंट्स, अगर इसके हमें फैक्टर्स लिखने हैं, दैट मींस ये जो नंबर है ना 8, इसके आप फैक्टर्स निकालोगे, तो आप जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 8 को हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है. तो 2 × 2 × 2 2 × 4 4 × 8, सब प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है. x^5 है, दैट मीन्स x को 5 बार ओपन करना है. y के ऊपर 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स y 2 बार मल्टीप्लाई होगा. लाइक दिस हमें ये पूरे नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में पूरा ओपन करके लिखना है, ठीक है. तो आई थिंक ये बहुत इजी है, आप कर लोगे. b और c पार्ट आप कर लीजिएगा, d पार्ट मैं आपको करा देती हूँ. द क्वेश्चन इज 18a^3b^4 and c². इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3, ठीक है, इसे आप इसका वो एलसीएम जिसे आप बोलते हो वो आप निकालोगे तो 2 × 3 × 3 आएगा, ठीक है. ए के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो हम ए को 3 बार लिख लेंगे. बी की पावर कितनी है? 4, तो बी को 4 बार एक्सपेंड करके लिखेंगे. सी के ऊपर कितनी पावर है? 2, तो सी को 2 बार एक्सपेंड करके लिखेंगे, ठीक है. तो ऐसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है. बी और सी पार्ट आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है. कुछ मोनोमियल्स गिवन है और उसमें हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. स्टूडेंट्स, अभी तक हम सिर्फ एक ही नंबर के फैक्टर्स निकाल रहे थे, अब हमें क्वेश्चन में 2 नंबर्स दिए होंगे, 2 मोनोमियल्स दिए, उन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है. तो कैसे करेंगे? द फर्स्ट वन इज 3pq और दूसरा नंबर है 21p²q. तो स्टूडेंट्स, यहां पर इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, 3 × ऐसे लिख लेंगे फैक्टर्स में, ठीक है. 3pq को 3 × p × q लिख सकते हैं और 21p²q को कैसे लिखेंगे? 3 × 7, 3 × 7 = 21 होता है और p की पावर 2 है, दैट मीन्स p² और q एज इट इज, ठीक है. अब हम निकालेंगे व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स. ये आप छोटी क्लासों में भी करते थे. कॉमन फैक्टर्स विल बी, जो जो कॉमन है वो हम ऐसे कैलकुलेट करते थे ना आप, 3 3 p एक जैसा है, जो जो कॉमन है
उसे सर्कल कर लिया और यहाँ पे लिख लिया 3PQ. सो 3PQ इज द कॉमन फैक्टर. ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं डी वाला पार्ट करा रही हूँ, बी सी आपको खुद करना है. बी डी वाले पार्ट में तीन नंबर्स गिवन है, 6AX² B, द सेकेंड नंबर इज 48A² XB² एंड द थर्ड नंबर इज 54AXB. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे एक्सपेंड करना है. तो अगेन हम इंडिविजुअली सारे नंबर्स को ऐसे ओपन करके कर लिख लेंगे और फिर जो कॉमन होगा उसे कॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे. तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × A × 2 × B. ठीक है, 48 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 4 × 4 × 8. सो तो 3 × 2, 1 × 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 2 = 16 और 16 × 3 = 48 और A² को A × A × X और B² को B × B. ठीक है, ऐसे एक्सपेंड करके लिख लिया. 54 को भी 54 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 27 आएगा, फिर देन 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 एंड 27 × 2 = 54. देन A × X × B, सभी को ओपन करके लिख दिया. ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कॉमन है. 2 is common. ठीक है, तो सबसे पहले 2 कॉमन है, जो कॉमन आता जा रहा है वो हम लिखेंगे यहाँ पर. कॉमन फैक्टर्स 2, 1 × 2 आ गया. फिर देखो 3 है, 3 इज देयर, 3 तीनों में है तो 1 × 3 भी आ जाएगा. देन वॉट अबाउट A, ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है. मतलब जो वेरिएबल्स है वो सिर्फ एक एक बार आएंगे, AXB. तो 2 × 3 = 6, AXB इज द आंसर. ठीक है, तो ऐसे आप बचे हुए पार्ट्स भी करेंगे. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अभी अभी जो आप क्वेश्चन किया आपने उसमें अलग अलग नंबर्स थे और हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे. अब जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहे हैं. ठीक है, और फिर हमें कॉमन फैक्टर निकालना है. तो कैसे निकलेगा, देखो क्वेश्चन है 5m⁴ + 25m² n³ − 25m³ n². ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी तीन नंबर है और तीनों को प्लस या माइनस में से जोड़ के दे दिया. अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने, कॉमन फैक्टर्स. तो एक तरीका तो यही है कि आप इसे ऐसे इंडिविजुअली सारे नंबर को ओपन करके लिख लो, 5 × m × m × m × m. ठीक है, प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 और m² 2 × n³ 3 × एंड 25 अगेन, तो 5 × 5 × m × m × m 3 × m और 2 × n. ठीक है, तीनों नंबर्स को मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया, बीच में प्लस माइनस था इसलिए वो लगा दिया. अब देखो क्या क्या कॉमन निकल सकता है स्टूडेंट्स, 5 5 5 5 बाहर आ सकता है तो मैंने 5 बाहर लिख दिया. ठीक है, अब कितने m बाहर आ सकते हैं मैक्सिमम, हमें इसका बेसिकली HCF निकालना है. ठीक है, तो कितने m मैक्सिमम, ऐसे m कितने हैं जो सभी में हैं. देखो यहाँ पर 4 m's आर देयर, यहाँ पर 2 m है, यहाँ पर 3 m है, तो मतलब 2 2 m इन तीनों के पास है. ठीक है, तो दैट मीन्स 2 m's आर हियर, 2 m's आर हियर, 2 m's. ठीक है, हमें इतने, हमें HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ m निकालना है. तो ऐसे कितने हाईएस्ट नंबर ऑफ m है जो तीनों में अवेलेबल है, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 थे, तो 2 तो तीनों में होंगे, तो हम दैट मीन्स m² हम तीनों में से कॉमन निकाल सकते हैं. सिमिलरली स्टूडेंट्स n को देखते हैं, यहाँ पर n कितने हैं, 2 n's आर देयर और यहाँ पे 3 n है, पर यहाँ पर तो एक भी नहीं है, तो कॉमन फैक्टर तीनों का एक भी n नहीं है. ठीक है, तो n नहीं आएगा, सिर्फ 5m² ही कॉमन आएगा क्योंकि n तीनों में नहीं आ रहा. कॉमन वही चीज आएगी जो तीनों टर्म्स में अवेलेबल होगी. ठीक है, और मैक्सिमम अवेलेबल होगी. ठीक है, तो 5m² इज कॉमन.
अब जो जो पार्ट बचा स्टूडेंट्स वो लिख दो। देखो यहां से 5m² तो हमने बाहर निकाल लिया था, अंदर क्या बचा? अकेला m, मतलब m² प्लस प्लस, तो ये वाला प्लस एज इट इज। अब यहां से क्या क्या बचा? एक 5 बचा हुआ है और 3n बचे हुए हैं, दैट मीन्स 5n³ इज लेफ्ट, जो बचा है उसे लिख दिया, फिर माइनस का साइन, फिर यहां पर क्या बचा है स्टूडेंट्स? एक 5 और एक 5 बचा है, एक m बचा है और 2n बचे, ठीक है? तो एक m और 2n, तो जो जो चीजें बची है जो कॉमन नहीं आ सकी है उसे आप अंदर लिखोगे, ठीक है? तो ऐसे हम इसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है? और क्वेश्चंस करते हैं। इसका हम करेंगे स्टूडेंट्स सी पार्ट करा देती हूँ मैं आपको, सी पार्ट में 3 नंबर है, बी पार्ट आप खुद करिएगा। 32m² p -48mp² +18mp, ठीक है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास नंबर है और इसे हमें एक्सपेंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम तीनों नंबर जो है इन तीनों के इसके फैक्टर्स लिख लेंगे, इसके भी इसके भी इसके भी। तो 32 मतलब 32 को आप एलसीएम निकाल के करना तो 5 × 2 आएगा, ठीक है? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। एम को 2 बार लिख दो, पी को 1 बार, ऐसे हमने पहला नंबर लिख दिया। फिर बीच में माइनस था, फिर 48 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, और 16 × 3 = 48, इंटू एम इंटू पी इंटू पी, ठीक है? और लास्ट नंबर क्या है? 18, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3 इंटू एम इंटू पी। ऐसे स्टूडेंट्स हमने सारे नंबर्स लिख लिए एक्सपेंड करके। अब कॉमन देखते हैं क्या क्या मैक्सिमम कॉमन आ सकता है। देखो यहां पर एक 2 है, एक 2, एक 2, सो एक 2 तो स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसे 2 बाहर निकाल लेती हूँ। अब कितने 3 मैक्सिमम बाहर आ सकते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर 3 आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही है फैक्टर्स, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, पर इसमें नहीं है तो 3 नहीं आएगा। m कितना आ सकता है? 1m यहाँ पर है, 1m यहाँ पर है, 1m यहाँ पर है, तो 1m कैन कम आउटसाइड, 1m को बाहर निकाल लिया। अब बचा p, यहाँ पर एक p है, एक p, एक p, ओनली 1p कैन कम कॉमन, तो 2mp ही कॉमन आएगा स्टूडेंट्स। जो बचा वो सब लिख दोगे आप, तो ये स्टूडेंट्स बचा 16 और यहाँ m, 16m यहाँ पर बचा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स, जो कॉमन नहीं आया ना, जो अंडरलाइन नहीं है उसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 1m माइनस 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24p। एक यहाँ पर एम पी पी था और एम और पी तो बाहर आ गया, तो एक ही पी बचा, प्लस 3 × 3 = 9, बस 9 ही बचेगा, एम पी था वो बाहर आ चुका है, तो ऐसे हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप बी और डी पार्ट खुद करेंगे, हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 इज, यहाँ पर हमें अगेन फैक्टराइज करना है, अब डायरेक्ट फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ गया है। देखो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे इसे हम, इसमें हमें ये देखना है स्टूडेंट्स, इसे आप दो टर्म्स में देखिए, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। अब आप देख के बताइए कि इन दोनों टर्म्स में क्या ऐसी चीज है जो एक जैसी है। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पर भी 4x - 1 है और यहां पर भी 4x - 1 है, दोनों में 4x - 1 है, तो हम क्या करेंगे, 4x - 1 को बाहर निकाल लेंगे कॉमन, पूरे 4x - 1 को। अभी तक हम सिर्फ एक एक नंबर बाहर निकाल रहे थे, पर अब पूरा टर्म बाहर आएगा। तो अब पहली टर्म में देखो, अगर हमने 4x - 1 को बाहर निकाल लिया, ये तो मेरा बाहर जा चुका है कॉमन में, तो बचा क्या है यहाँ पर? 2a, तो मैं यहाँ पे एक सब ब्रैकेट लगा के 2a लिख दूंगी, बीच में प्लस का साइन था। सेकेंड टर्म में स्टूडेंट्स 4x - 1 तो बाहर चला गया है, क्या बच रहा है? 5, तो यहाँ पर 5 5,
बस कॉमन, यही सॉल्यूशन है इसका। ऐसे ही हमने सॉल्यूशन कर लिया कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, कि प्लस वाली चीज मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, तो हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, पी वाई माइनस बी माइनस टू वाई माइनस बी, ये क्वेश्चन है। अब इसे भी हमें फैक्टराइज करना है। अगेन दोनों टर्म्स, पहले तो टू टर्म्स को सेपरेटली देखो, फर्स्ट टर्म इज हियर, सेकेंड टर्म इज हियर। दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, देखो y माइनस बी यहां पर भी है, y माइनस बी यहां पर भी है। ठीक है, तो पूरा y माइनस बी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जो y माइनस बी को छोड़कर जो नंबर बचा, इसे छोड़कर क्या बचा है यहां पर, p, तो p आ जाएगा, माइनस का माइनस, y माइनस बी छोड़ो क्या बचा, टू। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सी पार्ट आप खुद करेंगे, डी पार्ट मैं आपको करा देती हूँ। डी पार्ट है -8। अब इस वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होगी कि यहाँ पर तो स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो कॉमन नहीं दिख रहा। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स मैं इसे दो बार लिख रही हूँ, -8p+2, क्योंकि पावर टू है ना, पावर टू है, दैट मीन्स मैं इसे टू टाइम्स ऐसे ओपन करके लिख सकती हूँ। अब आप पहली टर्म और दूसरी टर्म में देखो क्या कॉमन आ सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, पी प्लस टू एंड पी प्लस टू, ये पी प्लस टू दोनों में अवेलेबल है, दैट मीन्स पी प्लस टू कैन कम इन कॉमन। तो पी प्लस टू आ गया मेरा बाहर, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, पहली वाली टर्म, पहली टर्म है मेरे पास ये वाली, इसमें से पी प्लस टू जा चुका है बाहर, अब क्या बच रहा है मेरे पास, सेवन और यहाँ पी प्लस टू, तो यहाँ लिखेंगे सेवन पी प्लस टू। सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म ये वाली है, इसमें से पी प्लस टू गया है बाहर कॉमन में, अंदर क्या बचा है सिर्फ -8, तो -8 लिखते हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा अंदर स्टूडेंट्स, 7 इंटू पी विल बी 7p, 7 इंटू टू इज 14 -8। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, और ये पी प्लस टू 7p और 14 में से 8 को माइनस किया तो क्या आएगा, +6। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसमें मैंने दो बार एक्सपेंड करके लिख लिया, यहाँ फॉर्मूला मत लगा देना स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर कॉमन कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हमने इसे दो बार लिख लिया, उसे फिर पी प्लस टू बाहर आ गया, और फिर पी प्लस टू के अलावा जो बचा वो सब लिख दिया, और फिर यहाँ पर सॉल्व होके यह आंसर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स बचे हुए चार क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीक करेंगे, आज के लिए इतना ही। इसे आप क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कॉपी में कंप्लीट करेंगे, कल का वर्क भी आज का वर्क भी। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीक में ये वाली वेनेसडे को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।